सो गाइस ये है Redmi का Note 13 Pro Plus 5G और आज इस फोन से हम करने वाले हैं मोटो ब्लॉगिंग। जी हाँ, मोटो ब्लॉगिंग करके देखेंगे। जब इस फोन से मोटो ब्लॉगिंग करेंगे तो भाई उसमें वीडियो की क्वालिटी कैसी रहने वाली है, जब नॉर्मल स्पीड से चलते हैं और जब हाई स्पीड पे चलते हैं, सारी चीजें ओवरऑल जो यहाँ पर टेस्ट करेंगे। सो मोबाइल से मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें भाई? यहाँ पर हमें चाहिए एक माउंट जिससे आप जो फोन को अटैच कर पाएंगे हेलमेट में। सो ये हो गया। और भाई नेक्स्ट चीज चाहिए हमें एक माइक, तो यहाँ पर हमने लिया हुआ बोया का माइक। चीज चाहिए हमें एक अडेप्टर, क्योंकि भाई इसमें 3.5 वाला पोर्ट तो है नहीं, तो एक अडेप्टर चाहिएगा। और एक और चीज चाहिए यहाँ पर, चाहिए हेलमेट। सो गाइस हेलमेट हमने ले लिया, और हेलमेट पता कौन सा होना चाहिए? हेलमेट में आगे जो चिन्ह हो, बेसिकली ये ठोड़ी होनी चाहिए, बिना ठोड़ी वाला यहाँ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो माउंट स्ट्रैप है जिसमें जो आप मोबाइल अटैच करेंगे, इसको इसमें अटैच कर देते हैं। किस तरह से? इसमें सिंपली बेल्ट दी है और बेल्ट इसमें से ऐसे निकल के ऐसे घूम के इसमें लॉक हो जाती है। दो हिस्से एरो जो निकले हुए, इसको ऊपर की तरफ रखेंगे और इसको इस तरह से निकाल के बेल्ट इसके नीचे से घुमा के इस तरह से लॉक कर देते हैं। इस माउंट को यहाँ पर अडेप्ट कर दिया बहुत अच्छे से, और देखो यहाँ पर ना ये अच्छे से खींच कर हमने इसे लॉक भी यहाँ पर कर दिया है, पूरी टाइट कर दिया। सो अभी क्या करना है, इस मोबाइल होल्डर को इसमें लगाना है। तो सिंपली इसको इस तरह से इसमें लगाएंगे और भाई ये जो स्क्रू है इससे इसको लॉक कर देंगे, काफी लीजिए लॉक हो जाएगा। सो इसको भी यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है, टाइट भी कर दिया। इसको लूज करेंगे तो इससे जो एंगल जो चेंज कर पाएंगे, जिस हिसाब से भी आपको एंगल रखना होगा। टाइम है इसमें फोन अटैच करने का, तो फोन का कैमरा हमने ऑन कर लिया, इसको इस तरह से यहाँ पर लगा देंगे। ध्यान रखें कि भाई पावर बटन और वॉल्यूम बटन यहाँ पर नहीं प्रेस होना चाहिए। भाई मोबाइल अटैच होने के बाद कुछ तरह का नजर आता है, तो आप हेलमेट से ही ऑपरेट कर पाएंगे इसको। कैमरा आइकन मैंने साइड में टॉप में रख दिया, तो ऐसे मैं इस तरह से कैमरे पर क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पर जो इजिली आप जो चूज कर पाएंगे कितने पर रखना आप, तो वीडियो पे हमने सिलेक्ट कर दिया और रेजोल्यूशन वगैरह भी सारा नजर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज यहाँ पर जो रह गई है वो इसमें है भाई, इसमें माइक कैसे अटैच करेंगे। ये मैंने बोया का माइक लिया हुआ है यहाँ पर, जो कि काफी लंबा आता है, 21 फुट की केबल आती है इसके साथ में। तो इसमें लगभग मैंने दो दो ढाई ढाई फुट के समथिंग या 3 फुट के समथिंग इसको मैंने इसका जो जहां से फोन में अटैच होता है और जो माइक वाला हिस्सा वो निकाल लिया, बाकी फोल्ड है। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले हिस्से को तो इसमें लगा देंगे हम शर्ट के अंदर से निकाल के, इसको बेसिकली इस हिस्से को डालेंगे जेब में पैंट की, और इसका अपने टी शर्ट में ऐसे बाहर निकाल के गले से बेसिकली। तो आपने इसको तो आपने हेलमेट के नीचे अटैच करना है, और बाकी इस पिन को बाहर निकाल के आपने जो फोन में कनेक्ट कर देना। कैसे? यहाँ पर अडेप्टर की जरूरत पड़ेगी, अडेप्टर ये रहा इस तरह से, और भाई इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। OTG एनेबल कर लेना, ध्यान रखना उससे पहले सेटिंग में जाके। देखो माइक का प्लेसमेंट कहाँ करना है यहाँ पर, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप बहुत जगह कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर कर सकते हैं, ये पैड इसकी निकल जाती है, इसमें डाल के निकाल के रख सकते हैं। दूसरा आप जो यहाँ पर भी कर सकते हैं, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, ये जो बेल्ट है बेल्ट में माइक को लॉक कर देता हूँ। ज्यादा पास लगाएंगे बोया का माइक बहुत ज्यादा लाउड होता है, हल्की सी आवाज आने पर बहुत ज्यादा लाउड आवाज आई है, लगा गूंजती हुई आवाज। तो इसलिए इसको यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख के प्लेस कर लेना फिलहाल, बट मैं यहाँ पर इसको यहाँ करने वाला हूँ नीचे की तरफ। हो सकता है नीचे की तरफ अभी विंड नॉइज भी आया, बट हाँ मेरे को जल्दबाजी में इस तरह इसको यहाँ ही करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर मैं वॉल्यूम बटन दबाऊंगा भाई साहब, यहाँ पर जो वीडियो स्टार्ट हो जाएगी, देख सकते हैं वीडियो स्टार्ट हो चुकी है, और फोन का एंगल जिस तरह हम कैमरे इससे हेलमेट को घुमाएंगे, मुंडी घुमाएंगे, उधर का ही व्यू जो कैप्चर करेगा, तो है ना काफी कमाल की चीज। जैसे जहां बंद करना हुआ इसको इस तरह से बंद कर देना। सो भाई जब चलते हैं बाहर और प्रैक्टिकल करके देखते हैं भाई ओवरऑल जो किस तरह का ये फोन रहने वाला है जब इससे हम मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। सो भाई सेटअप रेडी हो चुका है, देख सकते हैं हमने मोबाइल यहाँ पर फिट कर दिया है, जो कि मोबाइल होल्डर है हेलमेट के लिए, मोटो ब्लॉगिंग के लिए स्पेशली। सो अभी हमने यहाँ पर कैमरा ऑन नहीं किया, देखो वॉल्यूम बटन को जैसे ही हम दबाएंगे ना, तो यहाँ पर हमारा जो जो मोबाइल पर कैमरा अटैच है वो ऑन हो जाएगा। बेसिकली अब जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो इसी फ़ोन से हो रही है, और देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी आ रही है। इस वक्त हम हाईवे पर खड़े हुए और यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस चलना स्टार्ट कर दिया है, और ऐसे में भी जो हमारी गाड़ी चल रही है वो चल रही है 32 की स्पीड पे। तो अभी हम साइड में चलेंगे स्लो स्पीड पे अगर चलते हैं, तो जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे हम तो थोड़ा बीच में ले लेंगे। तभी देख सकते हैं वीडियो क्वालिटी कैसे आ रही है। मैं आपको बता दूं अभी जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है फिलहाल नॉर्मल मोड में रिकॉर्ड हो रही है। तभी देखो मैंने माइक जो अटैच किया हुआ ना, माइक पर डायरेक्ट हवा अगर लग रही होगी तो जो माइक में जो विंड नॉइज़ आ रही होगी, क्योंकि माइक का प्लेसमेंट मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है, इसको साइड में प्लेस करना था। तो अभी वीडियो क्वालिटी कुछ तरह की है, और उसके बाद हम अल्ट्रा वाइड एंगल में भी स्विच करेंगे और थोड़ा सा जो भगा देंगे गाड़ी को।
गाइस अभी हमारी बाइक जो गई थी 100 प्लस चली गई थी और हेलमेट का यहाँ पर हमने बेल्ट नहीं लगाया था, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हेलमेट की बेल्ट लगा रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि हवा में हेलमेट ही उड़ जाए। सो गाइस फिलहाल जो वीडियो हमने सर्च स्विच कर दी है अल्ट्रा वाइड लेंस में, देख सकते हैं कितना ज़्यादा वाइड नज़र आ रहा है इसमें। इसको अटैच करते हैं पहले। सो गाइस फिलहाल अल्ट्रा वाइड में स्विच कर दिया है, तो कैमरे का एंगल ना हमेशा डिसाइड कर सकते हैं आप जब गाड़ी पे बैठते हैं, कितना झुक के बैठ सकते हैं, कितना ऊपर बैठते हैं, उस हिसाब से बेसिकली जैसे कंफर्टेबली होकर आप बैठ सकते हैं उस हिसाब से कैमरे का एंगल रखना है, तो पिन से हो जाता है काफ़ी। तो अभी वीडियो रिकॉर्ड ऑन है, अब मैं उसी में जो अभी कैमरे का एंगल भी यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया। सो अब चलना स्टार्ट करते हैं ये फुटेज जो भाई अल्ट्रा वाइड लेंस से रिकॉर्ड कर रहे हैं फिलहाल हम। सो अल्ट्रा वाइड लेंस में रिकॉर्ड कर रहे हैं हम और फिलहाल स्पीड देख सकते हैं 50-52 की है, थोड़ा सा भगाएंगे। अभी हम चल रहे हैं दिल्ली हरिद्वार वाले फोर लेन पे, लेकिन हवा बहुत तेज लग रही है और मुझे लग रहा है माइक थोड़ा नीचे ना सेट हो गया हो, माइक अगर नीचे सेट हुआ तो डायरेक्ट हवा माइक पर ही लग रही होगी। गाइस काफ़ी स्लो कर दिया फिलहाल बाइक हमने, मैक्स स्पीड जो अचीव कर सकते हैं 127 तक कर सकते हैं, मैंने टेस्ट किया है, मोबाइल फ़ोन बिल्कुल भी नहीं गिरता। तो ऐसे में मैं लिंक दे दूंगा अच्छी क्वालिटी वाले मोबाइल होल्डर का, जिससे आप लगा सकते हैं अपने फ़ोन में और मोटो ब्लॉगिंग आप जो कर सकते हैं। सो गाइस ये चौक है, यहाँ पर अक्सर पुलिस खड़ी रहती है, ये है शंकराचार्य चौक। इस वक्त जो हम हरिद्वार में हैं और यहाँ पर ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो फिलहाल कैमरा सैंपल लेने के लिए चलेंगे हम इस ओम ब्रिज की ओर। तो आपने वीडियो देखी होगी हमारे चैनल पे ज़रूर, तुम साइड से होते हुए जा रहे हैं फिलहाल। ओहो क्या बात है भाई, इस वक्त जो गंगा जी का कलर ना बिल्कुल ब्लू हो चुका है, हरा हरा गंगा जी का जल का कलर हो चुका पूरी तरह से। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम ओम ब्रिज के पास, जब भी आप हरिद्वार आएंगे तो आपने देखा ज़रूर होगा ये हाईवे से पुल से नज़र आता है, तो फिलहाल हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सो भाई कुछ इस तरह की क्वालिटी है भाई, जब भी आप मोटो ब्लॉगिंग करेंगे बेसिकली रनिंग गाड़ी में आप रिकॉर्ड करेंगे, सो कमेंट करके ज़रूर बताएगा ये क्वालिटी आपको कैसी लग रही है। और मैं बताऊँ अभी जितना मैं देख पा रहा हूँ भाई डिटेल्स जो काफ़ी अच्छी आ रही है यहाँ पर, लिटरली मज़ा आ गया। और बाकी अभी वीडियो चेक करनी पड़ेगी जो हमने इस हाई स्पीड में बाइक चलाई थी उस वक्त, जो जब 100 प्लस गए थे तो उस वक्त कैसी क्वालिटी थी। सो गाइस फिलहाल हमने स्विच कर दिया इसको नॉर्मल मोड में, देख सकते हैं किस तरह की क्वालिटी है। और फिलहाल जो फ़ोन अभी भी जो हेलमेट में ही लगा हुआ है, इस तरह की जो क्वालिटी है जब आप रेडमी नोट 13 प्रो प्लस से ब्लॉगिंग करते हैं। यहाँ पर हमने वाइड अल्ट्रा वाइड दोनों में रिकॉर्ड किया और जहां तक मैं देख पा रहा था यहाँ पर अल्ट्रा वाइड की फुटेज ज्यादा सही थी, मतलब बेसिकली अल्ट्रा वाइड में ज्यादा अच्छा व्यू यहाँ पर देखने को मिला, नॉर्मल कैमरा तो बहुत ज्यादा अजीब सी फुटेज उसमें आ रही थी। तो इसमें जैसे कि वीडियो में तो इशू है ही है और हो सकता है ये चीज़ जो आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट में सोल्व हो जाए, और मुझे लगता है रेडमी इस पर जरूर वर्क करेगा, इसमें कुछ ना कुछ सुधार करेगा, लेकिन तब तक मुझे लगता है आपको इस फोन को नहीं खरीदना चाहिए। अदरवाइज नॉर्मल यूजर अगर आप हैं तो खरीद सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग नहीं करनी है स्पीड में, बेसिकली आपको वीडियो रिकॉर्ड नहीं करनी हो, बाकी फोटोज़ वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, गेमिंग अच्छी कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की इसमें गेमिंग कर सकते हैं
ओवरऑल फ़ोन की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी सही है, अंडर वाटर भी आप इससे शूट कर ही सकते हैं। तो बहुत जल्द जैसे इसमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा उसके बाद हम जो कैमरा टेस्टिंग करेंगे, मोटो ब्लॉगिंग भी करेंगे, वो वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो कर दें लाइक और शेयर कर दें दोस्तों, चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब।